बात कर रहे हैं आखिर कोटा में 105 मासूमों की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजिता कोहली मासा चुके हैं। रंजिता जी बहुत बहुत स्वागत है विस्तार में आपका। थैंक यू जी। रंजिता जी, जेकलॉन अस्पताल जिसकी बदहाली की तस्वीरें हम काफी दिनों से देख रहे हैं, 105 बच्चों की वहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वहां पर दौरा करते हैं तो रातों रात वो तस्वीर बदल जाती है। वार्डों में रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाता है, ग्रीन कार्पेट यहाँ पर बिछा दी जाती है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो हूं कि जो शिशुओं की अधिक मौत हो चुकी है, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको सिर्फ जमीनी हकीकत का नहीं पता है। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो हमको पता चलता है कि कितनी ही परेशानियां आ रही हैं, और उनको सिर्फ जो अधिकारी दिखाते हैं वो देखना चाहते हैं, वो जमीनी हकीकत को नहीं देखना चाहते। मेरा सिर्फ कहना है अधिकारी सब वहां पर गए हैं और संवेदनाशील उनको गई है, और जो हमारी केंद्र सरकार से उनको जो सहायता दी जाएगी हम लोग उनको करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने दौरा किया है कोटा का। जब उनसे सवाल किया गया कि जयपुर से जो कोटा की दूरी है वो मात्र 4 घंटे की है, ऐसे में इतना लंबा वक्त कैसा लग गया, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वो जयपुर में बैठकर सिस्टम उतार रहे थे, सुधारने का काम कर रहे थे, तो वो सिस्टम जो कोटा में बिखर गया है क्या जयपुर से बैठकर उस सिस्टम को सुधारा जाएगा? नहीं, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा मौके पर नहीं गए और उनका ये कहना है कि 4 घंटे लगे, तो अगर और हकीकत को देखना चाहते हैं तो हमें बाई रोड या किसी चीज को करने के लिए इतनी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे तो को हम देखना ही नहीं चाहते ना, सबसे बड़ी बात यह है। जी रंजिता जी, दरअसल उनका कहना है कि इतना लंबा वक्त उन्हें कोटा आने में इसीलिए लग गया क्योंकि वो जयपुर में बैठकर सिस्टम को सुधारने का काम कर रहे थे। नहीं, ये सिर्फ फिजूल की बातें करना जानते हैं, ये जमीनी हकीकत को नहीं देखना चाहते। आज हम अगर निकल कर देखें तो हमारे आसपास इतनी समस्याएं होती है, ये देखना ही नहीं चाहते। आज जिन बच्चों पर एक मौत का ये साया छाया हुआ है, ये सरकार की नाकामी हुई होती है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें जमीनी हकीकत को देखना चाहिए। 105 मासूमों की मौत का गुनहगार क्या यहाँ सरकार भी है, राज्य सरकार? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर हम जनता के बीच में रहकर करें और जमीनी हकीकत को देखें, उन शिशुओं की मौत का हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है, और हमारे केंद्र सरकार और जितना हमसे होगा हम करेंगे, और इनको अगर ये एक बार वहाँ पर जाके देखें, ये नहीं है, ये फालतू की बातें होती है। जिम्मेदार है, जमीनी तौर पर यहाँ पर काम करने की कोशिश नहीं की गई, और केंद्र सरकार यहाँ पूरी कोशिश करेगी राज्य सरकार को हर संभव मदद देने की, लेकिन सवाल अभी भी नहीं किया कि 105 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। अगर स्वास्थ्य सेवाएं अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो आखिर जो बिखरती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं देश की, आखिर वो कब सुधरेंगी और कब तक मासूमों की तरह से जान देकर जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे देश में बिखर गई है उसकी कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इसके साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीएस। वो सोनिया मिल गई रोनू को मोली।